मैं अपने आप कर लेती वो तो। ओके एंड सेकंड थिंग, आपने अपनी शक्ल देखी कि मैं आपकी दोस्त बनूंगी। शक्ल में ऐसा क्या है यार, मम्मी तो बोलती है कि तू मेरी आंखों का तारा है। माँ को तो हर कोई बेटा अपना अच्छा लगता है, हर बच्चा अच्छा लगता है। वो चाहे ये मैं प्रपोज कर रहा हूँ और मैंने सोचा मतलब था जो मेरी दोस्त बनेगी आपसे, और आप इतना सीरियस हो गए कि आप उसे आईफोन गिफ्ट कर रहे हो यार। तो मैंने सोचा था ना कि जो एक सेकंड यार। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? तो समझ गए ना हम क्या करने वाले हैं, फिर से ये आईफोन का पार्ट लेकर आ गए। कौन सा है? iPhone Part 4। तो होप सो गाइस आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और यार प्लीज अंशु को सपोर्ट करते रहो यार, फॉलो करते रहो यार, बहुत प्यारी लड़की है। और गाइस यार ये क्या कहते हैं ना, सपोर्ट है ना, बनाए रखो और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, मैं सबके DM पढ़ती हूँ। ऐसी बात नहीं, आप लोग बोल रहे रिप्लाई नहीं करती, मैं करूंगी जब मैं लाइव आऊंगी, मैं पक्का सबको करूंगी। आईडी क्या है आपकी? बाय द वे इट्स anshu98। और बाकी मैंने वीडियोस में भी मेंशन कर देता हूं, उनको तो प्लीज फॉलो कर लिया करो यार। तो बने रहो हमारे साथ में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला है आपको आज। आगे तक वीडियो में बने रहो। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। एक्सक्यूज मी, हाय माय नेम इज यश। आपका नाम? इशिका। बहुत प्यारा नाम है यार आपका। एक मिनट में यहाँ बैठ जाऊँ? थैंक यू यार, वैसे लड़कियाँ अलाउ करती ही नहीं है बैठने के लिए। इशिका एक्चुअली यार एक छोटा सा फेवर चाहिए था आपको, या फिर ये मान लो एक भिखारी को कुछ चाहिए आपसे। बताइए। एक्चुअली आई एम न्यू इन दिल्ली। ओके तो मुझे ना दिल्ली में एक दोस्त चाहिए अपने लिए, क्योंकि मुझे ना पता नहीं है कि किस इंसान से कैसे बात करनी चाहिए। यहाँ के लोग अलग तरीके के हैं, यहाँ का माहौल अलग तरीके का है। तो मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ में ना एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो मुझे बता सके कि किस इंसान से कैसे बात करनी है, दिल्ली में कैसे रहना है, और साथ में मुझे घुमा फिरा सके इधर उधर। बस एक नॉर्मल दोस्त थी। अब मैंने सोचा कि यार लड़का होगा तो वो दारू क्लब व्लब ये ले जाएगा, फिर मैंने सोचा कि अगर एक लड़की दोस्त होगी तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगहें ले जाएगी, है ना। तो बाय एनी चांस क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। इतने बड़े पार्क में मैं ही मिली थी दोस्त बनाने के लिए? नहीं, मुझे लगा कि किससे बात करने में क्या जा रहा है, एक छोटी सी अप्रोच करनी चाहिए ना। वो कहते हैं ना अप्रोच इज बेटर देन प्रपोज। आपको लगता है कि आप जैसे इंसान की कोई लड़की दोस्त बन सकती है, स्पेशली मेरे जैसे? मतलब मेरे अंदर क्या कांटे लगे हुए हैं? ये लगा हुआ है, देखो मैं केयरिंग भी हूँ। सॉरी वो नहीं, आपको टच नहीं किया, वो लगा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने आप कर लेती वो तो। ओके एंड सेकंड थिंग, आपने अपनी शक्ल देखी कि मैं आपकी दोस्त बनूंगी। शक्ल में ऐसा क्या है यार, मम्मी तो बोलती है कि तू मेरी आंखों का तारा है। माँ को तो हर कोई बेटा अपना अच्छा लगता है, हर बच्चा अच्छा लगता है, वो चाहे कितना बदसूरत से। तो आप मुझे बदसूरत बता रहे हो? शायद। मतलब नहीं बन सकते तो आप वैसे मना कर दो, लेकिन इतनी बेइज्जती तो मत करो। बेइज्जती नहीं है, जो जिस चीज़ के लायक होता है उसको मैं वही बोला जाता है ना। सो एक तो आप आए आके बैठे और ये फेवर मांग रहे हो कि ऐसे कोई भी अननोन पर्सन आएगा तो आके बोलेगा कि फ्रेंड बन जाओ, तो क्या मैं सबकी फ्रेंड बनती फिरूंगी क्या? नहीं, मैं तो बस बता रहा था कि ऐसा चाहिए तो आप मना कर देते, लेकिन ये कहना गलत है कि स्टैंडर्ड होता है ना यार हर एक इंसान का, कि मेरा देखो आप अपना देखो, कहाँ से तुम दोस्त बनने लायक हो यार? शक्ल देखो अपनी, इफ़ लाइक बन भी जाती हूँ ना तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी मेरे फ्रेंड सर्कल में, ठीक है? ओके बट आपको क्या लगता है कि मेरा कोई दोस्त ही बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ। इनफैक्ट तुम बहुत लकी हो कि मैंने तुम्हें अपना इतना सारा टाइम दे दिया। थैंक यू सो मच, बट आपको क्या लगता है कि मेरी कोई दोस्त नहीं बनेगी? मतलब ऐसा तो नहीं है, ऑल आर नॉट सेम। आप शर्त लगा लो कि अगर कोई भी लड़की जा रही होगी ना तो मैं उससे बात करूंगा तो शायद वो बन जाएगी। सब हर कोई एक जैसे नहीं होता, मारेगी खींच के गाल पे, हर कोई आपके जैसे नहीं होता है यार। अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मैं इनसे बात करके दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाय यार, हाय। हेलो, माय नेम इज यश। आपका नाम क्या है? अंशु। अंशु यार थोड़ा सा पानी पिला दोगे आप मुझे? झूठा है यार, सॉरी। कोई बात नहीं, पिला दो यार। अंशु यार एक्चुअली आई एम न्यू इन दिल्ली। ओके यार मुझे ना दिल्ली के लोगों के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे कौन इंसान कैसा है, क्या है, किस तरीके का है। तो मैं सोच रहा था कि मैं दिल्ली में ना एक दोस्त होना चाहिए मेरा जो मुझे दिल्ली के बारे में अच्छे से बता सके, और दिल्ली में कौन सी जगह घूमने की है या फिर आपको किस तरह से रहना चाहिए ये बता सके। क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो लूट लेते हैं इंसान को, बातों में ही उसका कार्ड देते हैं। बिल्कुल है यार, मैं ही करती हूं। तो आप फेस से ना मुझे ऐसा लग नहीं रहे कि आप लूटोगे। तो बाय एनी चांस क्या हम दोस्त बन सकते हैं कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो इमरजेंसी में मैं आपको याद कर सकूं, एक सजेशन ले सकूं? अच्छा सजेशन, हां बिल्कुल। कैन आई गेट योर नंबर? यस श्योर।
अभी तो मेरे पास फोन है नहीं, बट आप ना मिस कॉल कर देना सो दैट मेरे को आपका नंबर आ जाए। ओह वाओ, हाउ स्वीट यार, आप फोन नहीं रखते अपने पास में? मैं एक्चुअली वॉक के लिए आई थी ना, तो मेरे को डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। ओह नाइस यार, मतलब मैं एक परफेक्ट लड़की के साथ में खड़ा हुआ इस टाइम पे। हां यस, बाय द वे आपकी हाइट बहुत प्यारी है। थैंक यू। ओके अंशु, आई एम गिविंग यू कॉल। ओके अंशु, यार एक चीज और बोलनी थी मुझे आपसे। यार एक्चुअली आज ना मैंने सोचा था कि दिल्ली में जो भी लड़की मेरी दोस्त बनेगी ना, मैं उसे खूबसूरत सा सरप्राइज दूंगा। यार सरप्राइज की क्या नीड है, आप नॉर्मल को नहीं चाहिए कोई सरप्राइज, आप अपना सरप्राइज अपने पास रखो। हाँ अगर आपको कभी भी नीड पड़ती है आप मेरे को कॉन्टेक्ट करो, बिल्कुल एकदम ये मत सोचना, हिचकिचाना मत, हेजिटेट तो बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बट यार फिर भी मैंने सोचा था कि सरप्राइज तो देना ही है, एक छोटा सा, हर किसी की वो होती है ना विश। यार आप मेरी दिल्ली में पहली दोस्त बनोगे इसलिए। सरप्राइज की कोई जरूरत नहीं यार, देखो नहीं। प्लीज़ यार एक बार अपनी आंखें बंद तो कर लो, प्लीज़ फॉर मी। मारने तो एक दोस्त की बात नहीं मानोगे, कभी पता लगे मेरा गला काटो चले गए। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लोज योर आईज यार। ओके तो मेरे पास है आपके लिए खूबसूरत सा आईफोन। Are you sure? हाँ ये आपके। Yes. What are you doing? क्या कर रहे हो आप ये मैं प्रपोज कर रहा हूँ और मैंने सोचा मतलब था जो मेरी दोस्त बनेगी आपसे और आप इतना सीरियस हो गए कि आप उसे आईफोन गिफ्ट कर रहे हो यार। तो मैंने सोचा था ना कि जो... एक सेकंड यार, तुम कितने बेशरम इंसान हो, मतलब हमारी लड़ाई हो गई हो, तुम मुझे जेलस फील कराने के लिए तुम्हारे पास आया हो, ये भी तो हो सकता है। और तुम इतनी लग रही हो गई, मुझे खुद उन्होंने हेल्प मांगी मुझसे, वो दिल्ली में न्यू है। मैं न्यू हूं बट यार आप ले क्यों रहे हो यार मेरी बात। अभी आपने बोला था ना कि आपका स्टैंडर्ड नहीं है। एक सेकंड आप इतना सीरियस हो गए, मैंने आपसे मजाक करा था, आपने बोला था कि लाइक आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लड़की नहीं सेट होगी। यार बस मैं देख रही थी कि बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं परेशान करते हैं, इस वजह से मैंने ऐसे बोला। बट ये तो गलत बात है ना, वो मेरी लाइफ में आ गई है तो मुझे उसके साथ में रहना है ना यार। तो तुम ये नहीं सोच रहे मुझे कैसा फील होगा, मेरे पास आए मुझे कितना हर्ट होगा। आपके पास कीप क्वाइट ना, मैं उससे बात कर रही हूँ। जी बताओ। मतलब यार तुम ये नहीं सोच रहे मुझे कितना हर्ट होगा, बट तुमने तो मुझे यहाँ पर मतलब यार मैं बैठी हूँ तो मेरे सामने किसी और लड़की को प्रपोज कर रहे हो यार, बट मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना यार। अरे मैं बोल क्यों रही पापा, मैं मजाक कर रही थी तुमसे, बट ऐसा कोई मजाक नहीं था। कैसे सीरियस हो सकते हो यार, उनको कितना हर्ट हुआ होगा, आपने कितना बोला था। चुप रहो ना, वो हमारा मैटर, आप क्यों बोल रहे हो बीच में बार बार। वो मेरे भी दोस्त हैं। आप तो दोस्त के मतलब एक दोस्ती के मतलब अगर आप फेवर कर रहे हो फ्रेंड बनने का, तो आप उसके रिटर्न में ले लोगे। मुझे नहीं लिया तो आपने ऐसे ही था, उन्होंने मुझे गिफ्ट करा। बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं। ठीक है मेरी बात सुनो। अरे एक काम करते, देखो यार एक मिनट ये दिखाओ मुझे, ये ना अच्छा नहीं लगता जब ये पहले दोस्त बन गई, आपने तो रिजेक्ट कर दिया था, अब ये मैं इनको दे देता हूँ। हम दोनों दोस्त हैं, रहेंगे हम। तो जब मैं आपके पहले फ्रेंड बनी तो मुझे देना चाहिए ना, उसे क्यों दे रहे हो आप? नहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, आपने रिजेक्ट कर दिया था ना। मैं बोलती हूँ, मैं मजाक करी थी, ऐसे हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे ना, बिकॉज दिल्ली के सारे लड़के ऐसे ही हैं। मैं तो खुद चाहती थी आपको पहले सोचने चाहिए थे जब वो आपके पास आए थे। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप मेरी दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, आप जी। तो ठीक है काम करते हैं, ये फ़ोन इनको छोड़ देते हैं। हाँ। और बाहर ना मेरा एक कॉफ़ी का प्लान था, तो वी कैन गो देयर और एक छोटी सी कॉफ़ी पी लेते हैं, मैंने ये भी सोचा था। हाँ बट वो सब तो ठीक है, बट आप इसे क्यों दे रहे हो यार ये फ़ोन? यार एक ना कमिटमेंट नाम की चीज़ होती है, मैं ना बहुत जेन्युइन बंदा हूँ, तो मैंने इनसे कमिटमेंट किया था ना कि मेरे पास सरप्राइज़ है, तो इस पे कहीं ना कहीं इसकी किस्मत जुड़ी हुई है। आपने बोला था जो मेरी पहली फ्रेंड बनेगी मैं उसे दूंगा, तो यार आई वॉज योर फर्स्ट फ्रेंड ना। अच्छा तो ठीक है एक मिनट, आप एक मिनट, आई एम रियली सॉरी अंशु, सुनो ये आप ले लो मेरी साइड से, ठीक है? बट देखो अब मुझे ना आपसे एक छोटी सी परमिशन चाहिए। मैं ना जो कॉफ़ी वाला था, मैं एक बार कॉफ़ी इनके साथ पीना चाहता हूँ, कुछ इनकी फीलिंग्स भी आ गई होंगी ना एज अ फ्रेंड। आप थोड़ी देर वेट कर लेना, मैं इनके साथ एक बस कॉफ़ी पी के आ रहा हूँ। ओके डन, ठीक है मैं अभी आता हूँ, बस इतना तो कर लोगे ना? ठीक है, यू सो स्वीट यार, थैंक यू यार, आप बहुत अच्छे हो यार, सच में ऐसी ही दोस्त चाहिए थी, एकदम ओपन माइंडेड मुझको। थैंक यू सर। ठीक है आप बैठो, मैं बस एक कॉफ़ी पी के आता हूँ। ओके अंशु ठीक है, आपको नहीं चाहिए ना? नहीं मेरे को नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बस मेरे दोस्त हो, ये मेरे लिए बहुत है। चलो ठीक है हम कॉफ़ी पी के। आपको नीड पड़ती है ना कभी भी कहीं जाना हो या कुछ भी पूछना, एक बार कॉल जरूर कर देना। ठीक है पक्का, तो चलो एक कॉफ़ी तो पी सकते हैं। ओके मैं आता हूँ, मैं ना अभी आ रहा हूँ। ओके बाय।
तेरे